नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का काकोरी इलाका रविवार को उस समय सुर्खियों में आ गया जब एटीएस ने यहां से दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकी अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन अंसार गजबत उल हिंद से जुड़े हुए हैं। दोनों आतंकियों को लेकर यूपी एटीएस ने एक बड़ा खुलासा किया है। एटीएस के मुताबिक दोनों संदिग्ध आतंकियों की योजना आत्मघाती हमले करने की थी। आतंकी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पहले यूपी को दहलाने की साजिश कर रहे थे। एटीएस ने बताया कि दोनों आतंकी राज्य में कई जगहों पर आत्मघाती हमले सहित कई धमाके करने की योजना बना रहे थे। हालांकि आतंकी अपनी नापाक करतूतों में कामयाब होते उससे पहले ही रविवार को यूपी एटीएस ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर दोनों को दबोच लिया। दोनों संदिग्धों की पहचान मिनहाज अहमद और मशीरुद्दीन के रूप में हुई है। एटीएस को दोनों के घरों से कुकर बम, विस्फोटक, असलहे आदि बरामद हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मिनहाज अहमद लखनऊ के दुबग्गा इलाके का रहने वाला है, जबकि मसरुद्दीन उर्फ मुसीर मड़ियाव के मोहिबुल्लारपुर का रहने वाला है। प्रशांत कुमार के मुताबिक आतंकी 15 अगस्त से पहले लखनऊ में बड़े बम धमाके की फिराक में थे। आतंकियों के निशाने पर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थान, स्मारक आदि थे। आतंकी फिदायीन हमले की भी तैयारी कर रहे थे। दोनों ने इसके लिए हथियार भी इकट्ठा कर लिया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक इस मॉड्यूल के सदस्य सिर्फ लखनऊ से नहीं बल्कि कानपुर से भी जुड़े हैं। ये आरोपी उमर हलमंदी के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उमर अलकायदा के उत्तर प्रदेश मॉड्यूल का हेड है। अब एटीएस इन आतंकियों के सहयोगियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी में जुटी है। माना जा रहा है कि सभी अहमद और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी से पहले ही भाग गए थे। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव एवं रायबरेली जिले को अलर्ट किया जा चुका है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डों के साथ लखनऊ पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।